प्रधानमंत्री ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता की 10वीं किश्त जारी की। मुख्यमंत्री ने नक्सल क्षेत्रों में पुलिस के काम को सराहा, नववर्ष मिलन समारोह में हुए शामिल। किशोरों के कोविड रोधी टीकाकरण के लिए आज से पंजीयन शुरू, कोविन पोर्टल पर हो रहा है ऑनलाइन पंजीयन। और वैष्णो देवी भवन परिसर में आज तड़के मची भगदड़ में 12 लोग मारे गए और 13 हुए घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा। आप सभी को दूरदर्शन समाचार परिवार की ओर से नव वर्ष की अनेक शुभकामनाएं। और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता की 10वीं किश्त जारी की। श्री मोदी ने 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि अंतरित की। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। ये राशि 2,000 रुपए की 3 किश्तों में किसानों के खातों में सीधे भेजी जाती है। अब तक 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि किसान परिवारों को दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी आर्थिक विकास दर वर्तमान में 8% से भी ज्यादा है। देश में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अर्थव्यवस्था कोरोना काल से पहले की तुलना में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आज बहुत से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उस समय से भी अच्छा कर रहे हैं जब कोरोना हमारे बीच नहीं था। आज हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर 8% से भी ज्यादा है। भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आया है। हमारी विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। जीएसटी कलेक्शन ने भी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। निर्यात और विशेषकर कृषि के मामले में भी हमने नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। साथियों, आज हमारा देश अपनी विविधता और विशालता के अनुरूप ही हर क्षेत्र में विकास के भी विशाल कीर्तिमान बना रहा है। 2021 में भारत ने करीब करीब 70 लाख करोड़ रुपए का लेन देन यूपीआई से किया है। डिजिटल ट्रांजैक्शन किया है। आज भारत में 50,000 से ज्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इनमें से 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप तो पिछले 6 महीने में बने हैं। 2021 में भारत के नौजवानों ने कोरोना के इस कालखंड में भी 42 यूनिकॉर्न बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है। श्री मोदी ने करीब 351 किसान उत्पादक संगठनों को 14 करोड़ रुपए से ज्यादा का इक्विटी अनुदान भी जारी किया। इससे 1,24,000 से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने इस दौरान किसान उत्पादक संगठनों से बातचीत भी की। केंद्रीय कृषि मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस बीच प्रदेश के किसानों ने प्रधानमंत्री को सम्मान निधि की राशि जारी करने के लिए धन्यवाद दिया है। जिला दुर्ग, ब्लॉक अपना दुर्ग ही पड़ता है। प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत साधुवाद धन्यवाद करता हूँ कि हम लोगों किसान के लिए बहुत हितैषी प्राप्त हुआ है। और प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के लिए जो सोच रखा है, किसानों को जब से वो प्रधानमंत्री बैठे हैं, हम किसान को सम्मान की राशि दे रहे हैं। ये किस्त मतलब 2,000 रुपया, मतलब मानो ऐसा है कि एक उपहार है किसानों के लिए।
पहले किसान एक एक 10-10, 20-20, 40-40, 50-50 रुपए के लिए तरस जाता था, समय पे पैसा नहीं मिलता था। आज किसान को डायरेक्ट खाते में 2000 रुपए आना, उस पैसे से किसान अपना बीज, ट्रैक्टर के लिए दवाई, ट्रैक्टर के लिए डीजल है, अपने बच्चों के लिए कापी किताब पेन ले सकता है। ये छोटी रकम नहीं है, आज करोड़ों लाखों किसान इससे लाभान्वित होते जा रहे हैं। वैसे हम छोटे किसान हैं तो कर्जा में पहले बहुत ये थे हम लोग, तो मोदी जी के आने से हम लोग को बहुत ही राहत मिला है, इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों को सालाना 6000 रुपए मिलते हैं। केंद्र सरकार ये रकम 2-2000 की किश्त के तौर पर साल में 3 बार किसानों के खाते में ऑनलाइन भेजती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि नक्सल क्षेत्र में हमारी पुलिस बेहतर काम कर रही है, यहाँ के वनवासी अब पुलिस को अपना मित्र मानते हैं, पुलिस कैंपों से बाहर निकलकर लोगों से घुल मिल भी रही है, ग्रामीणों की मदद कर रही है, इसलिए वहाँ के नागरिकों को विश्वास होने लगा है कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए है। मुख्यमंत्री ने ये बातें रायपुर में पुलिस विभाग के नववर्ष मिलन समारोह में कही। उन्होंने कहा कि राज्य में किसानों और जवानों की जय जयकार हो रही है। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास पुलिस और प्रशासन के कारण ही संभव हो पाया है। समस्या केवल लॉ एंड ऑर्डर का विषय नहीं है, बल्कि एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्या भी है। हमने सबको एड्रेस किया, जहां कैंप खुलने थे हमने खोले। आप सबको पता है 3 साल पहले आप बफर जोन में बहुत सारे कैंप खोले थे, लेकिन अब उसके कोर सेक्टर में जाकर, उसके घर मांद में जाकर जो आप हमारे कैंप खुले हैं, उसके कारण से भी नक्सलियों के हौसले पस्त हुए हैं। और उसके साथ साथ वहाँ विकास के कार्य, जो वहाँ के जो लोगों की अपेक्षाएं थी, उससे जिला प्रशासन से मिलकर, पुलिस और दूसरे वन विभाग से मिलकर, शिक्षा विभाग हो चाहे और अन्य विभाग हो, सबसे मिलकर वहाँ विकास के जो किरण वहाँ आप लोगों ने पहुँचाई है, आपके माध्यम से वहाँ तक पहुँचा है, इस कारण से भी अब लोग पुलिस को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना संरक्षक, अपने सुरक्षा का एक आदर्श मानते हुए लोग अब आपसे दोस्ती भी कर रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा के लिए अभिव्यक्ति ऐप लॉन्च किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 145 करोड़ 16 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 58 लाख 11 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए और इस दौरान 949 मरीज संक्रमण से ठीक हुए। संक्रमण से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.32% हो गई है। वहीं प्रदेश में 25,332 सैंपलों की जांच की गई, जिनमें से 190 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 0.75% है। सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित रायपुर जिले में मिले हैं, यहां 51 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं बिलासपुर में 43 लोग संक्रमित पाए गए हैं। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कैडेट, सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। और समाचारों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर मिशन मोड पर काम कर रही है। राज्य सरकारों को भी नियमित रूप से अपडेट दिया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय वॉर रूम बनाकर निगरानी कर रही है। आइए जानते हैं ओमिक्रॉन को लेकर क्या तैयारियां हैं सरकार की। जहां एक तरफ देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं इस चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार पिछले एक महीने से मिशन मोड में काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूदा स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इससे पहले भी ओमिक्रॉन को लेकर प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में हर दिन विशेषज्ञों की टीम के साथ समीक्षा बैठक होती है। पिछले अनुभवों को देखते हुए राज्यों को नियमित रूप से अपडेट दिया जा रहा है। राज्यों को स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधा को बढ़ाने और तैयार रखने की सूचना दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का वॉर रूम 24 घंटे काम कर रहा है। रात को भी स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी बैठकें करते हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया खुद रात में भी समीक्षा बैठक ले रहे हैं। दवाओं के बफर स्टॉक, ऑक्सीजन की उपलब्धता, अस्पतालों में बेड की उपलब्धता और टेस्टिंग की क्षमता की हर दिन समीक्षा की जा रही है। केंद्र सरकार ने पहले ही कोविड की चुनौतियों से निपटने के लिए 23,000 करोड़ रुपए के इमरजेंसी पैकेज की घोषणा की है। देश में टेस्टिंग क्षमता भी बढ़ाई गई है। अब तक करीब 68 करोड़ टेस्ट किए गए हैं। देश भर में 3,117 टेस्टिंग लैब हैं, जिनमें 2,014 RT-PCR टेस्टिंग लैब हैं, 941 ट्रूनेट, 132 CBNET और 30 दूसरे लैब हैं जहां कोरोना वायरस की जांच होती है। देश में 204 RT-PCR टेस्ट किट बनाने वाली कंपनियों को मंजूरी दी गई है। वहीं 53 रैपिड एंटीजन टेस्ट, 7 होम टेस्टिंग रैट कंपनी और 4 और टेस्टिंग कंपनी पाइपलाइन में हैं। देश में हर दिन करीब 20 लाख टेस्ट करने की क्षमता है और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरत पड़ने पर टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अगर बात राष्ट्रव्यापी टीकाकरण की करें तो देश में 90% वयस्क आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लग गई है और वहीं 65% वयस्क आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज। वहीं 15 से 18 वर्ष के बच्चों को सोमवार से कोवैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। इसके लिए उन्हें आज से कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के लिए स्कूल का पहचान पत्र या आधार कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। इस आयु वर्ग के 6 से 7 करोड़ बच्चों को कोवैक्सीन की डोज लेने के लिए पात्र होंगे। स्वास्थ्य देखभाल और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और अन्य गंभीर रोगों से ग्रस्त 60 या अधिक आयु के नागरिक अपने मौजूदा कोविन अकाउंट के माध्यम से एहतियाती डोज लगवा सकेंगे। कोविन प्रणाली से नियत समय पर एहतियाती डोज लेने के पात्र लोगों के पास एक SMS भेजा जाएगा। इन लोगों को 10 जनवरी से एहतियाती डोज लगाई जाएगी। करीब 3 करोड़ स्वास्थ्य देखभाल और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के कोविड वैक्सीन की एहतियाती डोज के लिए जनवरी में पात्र होने की आशा है। ये डोज कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के 9 महीने के बाद लगाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी RS शर्मा ने बताया कि 60 और उससे अधिक आयु के लोगों को पंजीकरण कराते समय अपनी बीमारी की जानकारी देनी होगी और उन्हें इस बारे में टीकाकरण केंद्र पर पंजीकृत डॉक्टर का प्रमाण पत्र देना होगा। वहीं प्रदेश में भी पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रायपुर जिले में भी स्कूली बच्चों को आगामी 3 जनवरी से कोरोना टीका लगाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में आज जिलाधीश कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग की टीम की बैठक हुई, जिसमें टीकाकरण की रूपरेखा बनाई गई। बैठक के बारे में जिला टीकाकरण अधिकारी आशीष वर्मा ने बताया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार किशोरों को कोरोना टीका लगाने की डोज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, साथ ही बुजुर्गों को भी बूस्टर डोज लगाने की पहल की जाएगी। जम्मू कश्मीर में कटरा के निकट माता वैष्णो देवी भवन परिसर में आज तड़के मची भगदड़ में 12 लोग मारे गए और 13 लोग घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह के अनुसार भगदड़ तड़के लगभग 2:45 पर हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारी भीड़ के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी के बाद भगदड़ मच गई। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से राहत राशि की घोषणा की गई है। भर लोगों की मौत हो गई है। पुलिस नियंत्रण कक्ष के अनुसार हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस सहित सुरक्षा बल मौके पर मौजूद हैं और बचाव कार्य जारी है। बता दें कि नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे।
इसी दौरान भगदड़ मच गई। वहीं केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। चिकित्सा अधिकारी कटरा डॉक्टर गोपाल दत्त ने बताया कि घायलों को उपचार के लिए श्री माता वैष्णो देवी नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर्स 01991234804 और 01991234053 जारी किए हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।